नमस्कार, मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर। नमस्कार, मैं आत्रेय ठाकुर। और आज हम जो है ये चलचित्र बना रहे हैं संयुक्त रूप में। देखिए कितनी खूबसूरत चीज जो है वो आज हमारे, चीज नहीं ये फल मैं इसको बोलूंगा, बहुत ही खूबसूरत फल जो है वो आज मेरे हाथ में है। ये वास्तव में जो है वो इसको बोलते हैं सिंघाड़ा, और ये बहुत ही बेहतरीन फल होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित औषधि द्रव्य है। लोग इसको जो है वो आटे के रूप में भी, इसके बीज का आटा बना के जो है वो खाते हैं। बाजार में भी ये बिकता है आटा जो है इसका। और ये बेसिकली पानी में होने वाला जो है वो फल होता है। पानी के अंदर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लोग जो है वो इसकी खेती करते हैं, तालाब पानी के अंदर। ये जो फल आज मेरे पास यहाँ पे आए हैं वो मेरे एक अजीज दोस्त हैं, वो जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं, और वो यहाँ आए थे तो उन्होंने जो है वो एक अपने स्नेह स्वरूप ये थोड़ा कुछ सिंघाड़े के फल जो है वो हमें भेंट किए। देखिए ये दिखने में जो है वो इस तरह से होता है, त्रिकोना या चौकोना जैसा होता है, इसमें कांटे कांटे भी होते हैं। उनके अनुसार जो है वो जब वो इस फल को ग्रहण करते हैं, संग्रहित करते हैं, तो इसको खाने के लिए जो है वो उबालते हैं। ये फल जो है वो अभी उबले हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा, इसका हार्ड वाला बाहर वाला जो छिलका है ये देखिए, इस तरह से इसका छिलका रहता है। ये छिलका इसका निकालना पड़ता है, और भी इसका एक शेल जो बाहर की कोटिंग होती है वो हार्ड होती है। मैं इसको, हाँ ये देखिए, तोड़ने की कोशिश करूंगा। तोड़ दिया मैंने इसको, बीच से ये इस तरह का व्हाइटिश मटेरियल इसमें जो है वो होता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये, इस तरह से ये सिंघाड़ा। और ये इसका मधुर जो है शीत वीर्य इसका होता है, यानी कि ये ठंडा होता है खाने में, बहुत ही पौष्टिक होता है, पौष्टिक। ये इस तरह से मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है वो एक पीस मैंने इसका निकाल दिया है। तो ये इसको लोग खाते हैं, इसका दवाई के रूप में ही प्रयोग करते हैं। इसको जो है वो शुगर वाले पेशेंट, मधुमेह के जो रोगी हैं, वो इसका अक्सर आटे के रूप में जो है वो रोटी बना के इसको प्रयोग करते हैं। और ये माना गया है कि ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है, ल्यूकोरिया वगैरह में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्राणु की अगर किसी मरीज को हमने जो है वो उसको चिकित्सा देनी है, शुक्राणु वृद्धि करनी है, तो उसमें ये फल जो है वो बहुत ही बेहतरीन जो है वो हमें परिणाम देता है। तो इस प्रकार से ये सिंघाड़ा का फल ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर लीजिए बेटा, आप खा लीजिए इसको और बताइए कैसा टेस्ट है इसका, कैसा है? टेस्टी, टेस्टी बहुत टेस्टी है, और ये बहुत ही स्वाद है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। इसी को सुखाते हैं, तो सुखाने के बाद इसको पाउडर करके आप औषधीय द्रव्य के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं और जो है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप भी इस फल का जो है वो आनंद लें। तो नमस्कार, जय आयुर्वेद।